ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम खस्ता करारे मज़ेदार बने हैं और साथ ही में ये हमने बिना मैदे के बनाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोवा की एकदम फेमस ट्रेडिशनल कलकल की रेसिपी। इसे कई जगह पे कुलकुल भी बोला जाता है। इसे मोस्टली क्रिसमस के टाइम पर बनाया जाता है। नॉर्मली तो ये मैदे से बनाया जाता है, बट आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैंने कलकल बनाया है गेहूँ के आटे से, जो कि मैदे के कंपैरिजन में हेल्दी भी है। साथ ही में बिल्कुल परफेक्ट करारे क्रिस्पी कलकल बनेंगे। आप इसको 15 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और गेहूँ के आटे से बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल और उसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। नॉर्मली जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं वही आटा यूज़ करेंगे। अब इसको खस्ता करारा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए सूजी, रवा या जिसे सेमोलिना भी बोला जाता है। ये मैंने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है और ये हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास में बारीक सूजी अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल वाली सूजी को मिक्सी में डालकर थोड़ा सा चला लेंगे तो वो बारीक हो जाएगी और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कीजिएगा। तो घी भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। अगर कभी कभी ज़्यादा घी डल जाता है तो उसकी वजह से कलकल फ्राई करते टाइम खुल जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, और अगर थोड़ा सा भी कम रह गया तो उसकी वजह से कलकल हार्ड भी हो जाते हैं। इसलिए घी का जो मेजरमेंट है परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये घी डालने के बाद में हाथों से इस तरह से हम मसल लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे क्या होगा कि घी आटे और सूजी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, घी को मेल्ट करके ही आपको मेजर करना है। जमा हुआ घी कभी भी मेजर ना करें, क्योंकि जमे हुए घी की वजह से मेजरमेंट गड़बड़ हो जाता है। पिघलने के बाद घी का मेजरमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए घी को हमेशा पिघला के ही यूज़ करें। इस तरीके से मसल मसल के हम मोयन लगा लेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रम्बली हो गया है, ब्रेड क्रम जैसा लग रहा है। अब घी का मेजरमेंट परफेक्ट है या नहीं इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे आटे का मिक्सचर लेके। तो ये देखिए इस तरह से ये बंध रहा है, बिखर नहीं रहा है, और इसको तोड़ने पर ही ये टूट रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये बिखर रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिक्स कर सकते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे शुगर पाउडर यानी शक्कर का बूरा। ये मैंने ले लिया है 1/3 कप। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट 1/3 कप से इनफ मीठा हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा शुगर पाउडर ऊपर से भी स्प्रिंकल करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका हमें आटा लगा के तैयार करना है। दूध भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म लिया है, यानी लूक वार्म मिल्क हमें यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है, बट ये पूरा नहीं जाएगा, इसमें से थोड़ा सा बचेगा दूध। तो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में कि कितना दूध इसमें लगा है। इसका जो डो हमें लगाना है वो लगाना है रोटी के जैसा, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हमने इसमें सेमोलिना डाली है यानी सूजी डाली है, तो वो दूध एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने मैदा वाले कलकल की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और एंड स्क्रीन पर एक पिक्चर लगी होगी उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये आटा लग के तैयार हो गया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट है ये। इसको अब ढक देंगे और ढक करके 5-10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, जिससे कि सेमोलिना यानी सूजी फूल जाएगी अच्छे से। और साथ ही में ये देखिए 2 टेबलस्पून के करीब इसमें दूध बच गया है, हम अभी थोड़ा सा बाद में भी यूज़ करेंगे। ये देखिए ये 10 मिनट के बाद में मैं इसको चेक कर रही हूँ, हल्का सा ये मुझे हार्ड लग रहा है। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर दूध और डाल रही हूँ और इसको वापस से हल्का सा मसल लेंगे, जिससे कि कंसिस्टेंसी इसकी सही हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड रहेगा तो कलकल जो है वो क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर, स्मूथ नहीं बनेंगे। तो जब तक मैं इसे तैयार करती हूँ तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए आटा तैयार हो गया है, इस तरह से ये मैंने मुलायम कर लिया है। अब इसकी मैं 3 लोइयां तोड़ लूँगी इस तरह से, और उसके बाद में इसको इस तरह से हम लंबा 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 कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद में आप किसी भी नाइफ से इसके बराबर हिस्से इस तरह से काट लें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमको। ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ में हमें काट लेना है। अब इस तरीके से इसकी गोलियां बना के तैयार कर लेंगे छोटी छोटी सी। इस तरह काटने से ये परफेक्टली एक जैसी बनेंगी, नहीं तो कोई छोटे बड़े बन जाते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो इस तरह से दो दो रख कर भी आप ऐसे गोल गोल करके बना सकते हैं। ये देखिए कुकिंग इज़ फन ना, तो थोड़ा सा फन भी कर लेते हैं बीच में। तो ये देखिए सारे बना करके मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अगर आपके पास में कोई सांचा नहीं है कलकल बनाने के लिए, तो आप किस तरह से कलकल बनाएंगे, तो मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ। कल हम बना सकते हैं इस तरह के फोक से, साथ ही में इस तरह का झारा होता है इससे भी आप बना सकते हैं, साथ ही में इस तरह के कॉम्ब से। ध्यान रखिए साफ कॉम्ब आपको यूज कर। पहले मैं ये फोक से बनाना बताती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि कलकल आराम से निकल जाए। अब इस तरह से एक बॉल लेकर के इसको इसे दबाएंगे और बस इस तरह से कर्ल कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम कलकल पड़ा है, क्योंकि ये कर्ल करके बनाए जाते हैं। किस किस को ये बात पता नहीं थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक तरीका हो गया, इसको थोड़ा सा सील कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये खोलेंगे नहीं फ्राई करते टाइम। अब कॉम पर भी इसी तरीके से थोड़ा सा घी लगा लेंगे और ऐसे हम फैला लेंगे बॉल को। अब इसको हल्का सा कर्ल करेंगे इस तरीके से, देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। थोड़ा सा पिंच कर देंगे, बस ये कलकल तैयार हो गया। अब तीसरे तरीके से मैं बता रही हूँ, उस पर भी इसी तरीके से हम बनाएंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और कर्ल कर देंगे। ये देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। तो अब आप बिना सांचे के भी इसे बना सकते हैं, आपको जो भी तरीका पसंद आया उस तरीके से आप बना करके तैयार कर लीजिए। तो इसी तरीके से ये सारे कलकल मैंने तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से तेल को गर्म कर लिया है। तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल का यूज़ नहीं करेंगे। बस जैसे ही कलकल हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे इसमें बबल्स आएंगे, इस तरीके से हमें तेल गर्म चाहिए। सारे कलकल इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के तुरंत बाद इसे हमें चलाना नहीं है, इसी तरीके से थोड़ा सा छोड़ देंगे हम, और 2-3 मिनट के बाद में हम इसे चलाना शुरू करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखी है। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, इसको मैं हल्का सा चला रही हूँ इस तरीके से। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मुलायम रह जाएंगे, अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। पलट के इसे बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है हमें। ये देखिए इस तरह से ये सिक करके तैयार हो गए हैं। बस ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस निकालने के बाद भी चलती रहती है थोड़ी देर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए जैसे ही हल्के गोल्डन हो जाएंगे इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए ये कलकल मैं निकाल के तैयार कर लिए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जब ये गर्म होते हैं तब ये हल्के से आपको मुलायम लगेंगे, और जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्रिस्पी होते जाएंगे। इसी तरीके से बचे हुए कलकल भी फ्राई कर लेंगे। तो ये कलकल मैं इस मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसके ऊपर अब थोड़ा सा शुगर पाउडर डस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये वैसे टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप करें, नहीं तो बिना इसके भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए आप इसके क्रिस्प, सुनिए कितना क्रिस्पी बने हैं। साथ ही मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पके हैं, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।